हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मूवीज देखना किसे पसंद नहीं होता, खासकर जिसमें एडवेंचर हो। तो आज मैं आपके लिए 5 एडवेंचरस मूवी लेके आ गया हूँ, जो सारी हिंदी में अवेलेबल है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते आज की फाड़ू वीडियो को। इससे पहले अगर आपको मूवीज़ के लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। तो नंबर 5 की मूवी है आउटपोस्ट। ये 2008 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb रेटिंग है 5.9 और रोटेन टोमेटो ने इसको 34% और गूगल एक्स में इसको 85% के लाइक्स है। और डायरेक्टेड बाय स्टीव बार्कर। तो दोस्तों, इस मूवी में हम देखते हैं हंट को, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और एक बिजनेसमैन भी होता है। तो एक फॉर्मर रॉयल मरीन DC को हायर करता है और उसे कहता है कि तुम एक टीम बनाओ। तो वो 6 बंदों की टीम बनाता है, जो सारे एक सोल्जर होते हैं, ताकि वो जिस मशीन में जा रहे होते हैं उसे प्रोटेक्ट कर पाए। फिर हम देखते हैं कि उनका मिशन होता है ओल्ड मिलिट्री बंकर, जो कि ईस्टर्न यूरोप में होता है और ये नाजियों के द्वारा बनाया होता है। फिर उनको वहाँ क्या मिलता है, ये आप मूवी में देखोगे। मूवी दोस्तों काफ़ी यूनिक है और हॉरर भी, तो रात को देखना मजा आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली मूवीज की तरफ। नंबर 4 की मूवी है हरक्यूलिस। ये 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6, रोटेन टोमेटो ने दिए इसको 57% और गूगल एक्स में इसको मिले 84% के लाइक्स। और डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर। इस मूवी में हम हरक्यूलिस को देखते हैं, जो कि जियोस का बेटा होता है और सभी उसे पूछते हैं। हरक्यूलिस अपनी 12 लेबर्स की कहानियों से काफ़ी प्रसिद्ध होता है, जिसे उसका भाई सबको सुनाता है। हरक्यूलिस और उसके साथी पैसों के लिए लड़ते हैं, तो उनको एक राजा ने भारी रकम देकर युद्ध के लिए कहा होता है और ये भी कहा होता है कि आप हमारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दो। तो फिर आगे ये मूवी एक नया मोड़ ले लेगी। और द रॉक है इसमें, तो फाइटिंग सीन्स तो भर भर के है, तो देखना ज़रूर, मस्ट वॉच है। तो बढ़ते अगले नंबर की मूवी के ऊपर। नंबर 3 की मूवी है मेज रनर। ये 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8, रोटेन टोमेटो ने दी इसको 65% और गूगल एक्स में इसको 95% के लाइक्स है। और डायरेक्टेड बाय वेज बॉल। मूवी में हम देखते हैं थॉमस को, जिसकी सारी मेमोरी लॉस हो चुकी है और उसे पिछला कुछ भी याद नहीं है और अपना नाम भी नहीं। तो हम देखते हैं कि जब वो होश में आता है तो अपने आप को एक विशाल मेज में पाता है, जिसे वहाँ फंसे लोग ग्लेट कहते हैं। तो फिर थॉमस और उसके दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर आगे उन्हें पता लगता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तो आप ये मूवी देखना, आपको ये मूवी बिल्कुल बोर नहीं होने देगी, तो देखना पक्का। और लिंक्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना, वहाँ मैं आपको इसके लिंक दे दूँगा। Can you tell me your name? I can't remember anything. Who put us here? We don't know. What's out there? The maze. What happens to them? You're curious. But if you want to stay here, I need to know that you're going to follow the rules. तो बढ़ते अगले नंबर की मूवी के ऊपर। तो नंबर 2 की मूवी है आउटब्रेक। ये 1995 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6, रोटेन टोमेटो ने दी इसको 60%, गूगल एक्स में इसको मिले 87% के लाइक्स। और डायरेक्टेड बाय उल्फ गैंग पीटरसन। साल 1967 में मोटामा नाम का एक वायरस अफ्रीका के जंगलों में फैल गया था। फिर इस वायरस को सीक्रेट रखने के लिए US के ऑफिसर बिली फोर्ड ने उस कैंप को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया, जहां US के सोल्जरों को ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका था। फिर 28 साल बाद
कर्नल सैम डैनियल्स को वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा होता है, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट थे। फिर हमें पता लगता है कि एक बंदर से वायरस फैला है जिसका नाम बेडसी है। फिर उस बंदर को स्मगल करके US लाया था और एक बंदे ने उसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए पिंजरे से बाहर निकालना चाहा तो उसने उसको काट लिया। फिर ये वायरस फैल गया। तो आगे क्या वो उस बंदर को पकड़ पाएंगे, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी पुरानी है पर अभी खतरनाक है, इसका कंसेप्ट एकदम बढ़िया है, तो मूवी को देख लेना। तो बढ़ते इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी पे, तो वो है वर्ल्ड वॉर जेड। ये 2013 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb रेटिंग है 7, रोटन टोमेटो ने दी इसको 66% और गूगल एक्स में इसको मिले 93% के लाइक्स, और डायरेक्टेड बाय मार्क फोस्टर। हम देखते हैं फॉर्मर UN फील्ड एजेंट गैरी लिन को, उसकी पत्नी कैरिंग को और साथ में उसकी 2 बेटियों को। तो उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है और सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। फिर वो अपनी जान बचाते हैं किसी तरह। फिर हम देखते हैं सेक्रेटरी जनरल थियरी को, जो कि गैरी के दोस्त होते हैं। तो हेलीकॉप्टर भेजते हैं उनके फैमिली के लिए और वो एक US नेवी की शिप के ऊपर लैंड करते हैं। फिर गैरी को एक मिशन के ऊपर भेजते हैं जिसमें सारे साइंटिस्ट की टीम होती है। फिर हम देखते हैं कि ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, तो क्या गैरी इस वायरस की वैक्सीन ढूंढ पाता है या नहीं, तो आप ये मूवी में देखना। मूवी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और 5-6 बार देख चुका हूँ पर अभी तक बोर नहीं हुआ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करना और शेयर करके अपना सपोर्ट बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।